हेलो एवरीवन, वेलकम टू मन मेकर। आई एम रंजन कुमार कालिंदी और आज हम लोग बात करने वाले हैं एचएएल में आई हुई जॉब वैकेंसी के बारे में। एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि एक नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर है अंडर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इसमें जॉब वैकेंसी आई हुई है ऑपरेटर पोस्ट और टेक्नीशियन के पोस्ट पे। ठीक है, ऑपरेटर और टेक्नीशियन पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग ये पोस्ट के बारे में। तो इसमें जो जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है और आईटीआई किया हुआ है, उन लोगों के लिए ये एलिजिबल है। जैसे आपने अगर डिप्लोमा में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन से डिप्लोमा किया हुआ है, तो आप टेक्नीशियन पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग मैकेनिकल की बात करें तो इसमें टोटल 29 पोस्ट है, जिसमें से यूआर के लिए 14 पोस्ट रखा गया है, ओबीसी के लिए 8 पोस्ट, एससी के लिए 4 पोस्ट, एसटी के लिए 2 पोस्ट एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट रखा गया है। बात करें डिप्लोमा इन इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, अगर आपने इन ब्रांच से डिप्लोमा किया हुआ है तो आपके पास टोटल 17 पोस्ट है टेक्नीशियन के पोस्ट के लिए, जिसमें से यूआर के लिए 10 पोस्ट, ओबीसी के लिए 4 पोस्ट, एससी के लिए 1 पोस्ट और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 2 पोस्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं आईटीआई वालों लोगों के लिए। तो आईटीआई में अगर आपने फिटर किया हुआ है तो आपके लिए 105 पोस्ट है, जिसमें से 44 पोस्ट जो यूआर के लिए, 27 पोस्ट ओबीसी के लिए है, 16 पोस्ट एससी के लिए, एसटी के लिए 7 पोस्ट और ईडब्ल्यूएस वाले लोगों के लिए 11 पोस्ट रखा गया है। आईटीआई इन इलेक्ट्रिशियन वाले लोगों के लिए बात करें तो इसमें आपका 26 पोस्ट है, जिसमें से 10 पोस्ट है आपका यूआर के लिए, ओबीसी के लिए 6 पोस्ट है, एससी के लिए 5 और एसटी के लिए 3, ईडब्ल्यूएस वाले लोगों के लिए 1 पोस्ट रखा गया है। अगर आपने आईटीआई मैकेनिस्ट से किया हुआ है तो आपके लिए 2 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट। आईटीआई वेल्डर की बात करें तो इसमें आपका 1 पोस्ट है यूआर में, और आईटीआई सीट मेटल वर्कर की बात करें तो इसमें आपका टोटल 2 पोस्ट है, जिसमें से यूआर के लिए 1 पोस्ट और ओबीसी के लिए 2 पोस्ट, 1 पोस्ट रखा गया है। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो टोटल 180 पोस्ट जो निकली हुई है टेक्नीशियन और ऑपरेटर के पोस्ट में एचएएल के। ठीक है, अब देखो क्वालिफिकेशन एंड रिक्वायरमेंट में एक चीज और एक है, अगर आपका क्वालिफिकेशन डिप्लोमा और आईटीआई है तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। मतलब डिप्लोमा वाले लोग टेक्नीशियन में अप्लाई कर सकते हैं और आईटीआई वाले लोग ऑपरेटर के पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज इसमें मेंशन किया हुआ है कि जो कैंडिडेट हायर क्वालिफिकेशन में है, हायर क्वालिफिकेशन यानी कि आपने बीटेक एमटेक किया हुआ है, तो वो इस चीज के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आपने हायर डिग्री किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हो, और अगर आपने हायर डिग्री किया हुआ है और आपके पास डिप्लोमा का डिग्री है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो, बस आप अपना हायर डिग्री शो नहीं कर सकते हो। ठीक है, और इस क्वालिफिकेशन में मार्क्स की बात करें तो आपका डिप्लोमा में आपका जो है 60% एंड एबव होना चाहिए डिप्लोमा डिप्लोमा वाले लोगों के लिए, यूआर ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस वाले लोगों के लिए, और 50% एंड एबव होना चाहिए एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी वाले लोगों के लिए। ठीक है, सेम चीज आपका आईटीआई वाले लोगों के लिए भी रखा गया है। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो 28 इयर्स का एज रखा गया है, मैक्सिमम एज आपका 28 साल होना चाहिए, 28 इयर्स। हालांकि एससी एसटी वाले लोगों को 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिला हुआ है, ओबीसी वाले लोगों के लिए 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिला है, पीडब्ल्यूडी वाले लोगों के लिए 10 ईयर का रिलैक्सेशन मिला हुआ है। ठीक है, अब इसमें बात करें जो टेन्योर रखा गया है इसमें इस जॉब का, तो वो आपका 4 साल का रहेगा। ये जॉब जो है आपका केवल 4 साल के लिए होने वाला है, 4 साल के बाद आपका कोई इसमें परमानेंट होने का कोई चांस नहीं है, 4 साल के बाद आपका ये जॉब खत्म हो जाएगा और फर्दर इसको एक्सटेंड किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट और अकॉर्डिंग टू कंपनी रूल्स, अगर एचएएल चाहे तो इसको फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है तो सबसे पहले आपको ट्रेनिंग पीरियड में जाना होगा, 8 वीक का इसमें आपका क्या होगा ट्रेनिंग पीरियड होगा। ठीक है,
प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे वो HAL बैंगलोर डिवीजन में आपका इसका सिलेक्शन होगा। इसमें इसके बाद आपका जो है 15 पोस्ट जो है ऑपरेटर वाले लोगों के लिए, फिटर के लिए, वो गुजरात के लिए है और राजस्थान के लिए। 5 पोस्ट ऑपरेटर जो है इलेक्ट्रिशियन वाले लोग को गुजरात और राजस्थान के लिए रखा गया है। उसी तरह डिप्लोमा में मैकेनिकल के लिए 4 पोस्ट और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले लोगों के लिए 4 पोस्ट जो है वो एयरफोर्स स्टेशन के लिए रखा गया है। तो ये सारा कुछ है प्लेस ऑफ पोस्टिंग के लिए। अब बात करते हैं आपका पेमेंट यानी कि सैलरी के बारे में। तो जो आपका डिप्लोमा टेक्नीशियन वाले लोग हैं उन लोगों के लिए स्केल रखा गया है D6 का, यानी कि आपका मिनिमम बेसिक पे जो होगा वो होगा आपका 23,000 का, जिसमें अदर बेनिफिट्स एंड अलाउंस में आपको 23,511 रुपीज मिलेंगे। यानी कि टोटल अप्रोक्स आपका सैलरी देखा जाए पर मंथ तो आपका 46,511 रहने वाला है। ऑपरेटर्स की बात करें यानी कि ITI वाले लोगों को C5 चैनल पे रखा गया है, जिसमें से 22,000 आपका बेसिक पे मिनिमम रहने वाला है और अदर बेनिफिट्स की बात करें तो उसमें आपको 22,554 मिलने वाला है। यानी टोटल सैलरी बात करें पर मंथ अप्रोक्स में तो 44,554 रुपीज आपका सैलरी रहने वाला है। इसके अलावा आपको HRA, TA, DA वगैरह और मेडिकल अलाउंस, PF वगैरह सारा कुछ इसमें आपको बेनिफिट मिलने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो होगा ऑल ओवर इंडिया में रिटर्न टेस्ट, मतलब रिटर्न टेस्ट लिया जाएगा। रिटर्न टेस्ट के बेसिस पे आपका इसमें सिलेक्शन होगा और जो एग्जाम कंडक्ट होने वाला है वो केवल और केवल बैंगलोर में कंडक्ट होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, जहां से भी आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो ये केवल बैंगलोर में आपका एग्जाम होने को है। ठीक है, और जो आपका एडमिट कार्ड आने वाला है वो आपको ईमेल के थ्रू या वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। उससे आपको पता चल जाएगा डेट, टाइम और वेन्यू जो रहने वाला है रिटर्न टेस्ट का। इस रिटर्न टेस्ट में जो है वो रिटर्न टेस्ट का टाइमिंग रखा गया है 2 आवर 2.5 आवर का ड्यूरेशन रहेगा। और ये टेस्ट जो है आपका 3 पार्ट का रहेगा। 3 पार्ट का MCQ क्वेश्चन आने वाला है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें आएंगे। पार्ट 1 जो होगा वो 20 क्वेश्चन इसमें रहेंगे जनरल अवेयरनेस के। पार्ट 2 में होंगे आपके 40 क्वेश्चन इंग्लिश एंड रीजनिंग से। एंड पार्ट 3 जो होंगे वो होंगे 100 क्वेश्चन आपके टेक्निकल यानी कि आपके ब्रांच से क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, आपका जो ट्रेड है उनसे क्वेश्चन आएगा 100। इच क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स कैरी करता है और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। ठीक है, तो ये सारा डिटेल्स था आपका रिटर्न टेस्ट के बारे में। रिटर्न टेस्ट के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कॉल आएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे आपको जाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और ये मेडिकल एग्जामिनेशन जो है आपका HAL के हॉस्पिटल में ही करा दिया जाएगा। ये होने के बाद आपका जो है फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा इस जॉब के लिए। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए आपको इसका लिंक HAL के साइट पे कैरियर सेक्शन पे मिल जाएगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर देखना, वहां पर इसका लिंक रहेगा। वहां पे आप डायरेक्ट क्लिक करना, वहां से आपको इसका फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन लिंक जो है वो ओपन है आपका 30 मई से लेकर 12 जून तक। ठीक है, तो बिफोर 12 जून आपको जो है इस फॉर्म को अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये सारा जो इंस्ट्रक्शन था HAL में आई हुई जॉब वैकेंसी के बारे में, तो ये जितना डिटेल्स है वो मैंने आपको दे दिया। तो बिफोर 12 जून आप इसे अप्लाई कर लेना। ठीक है, चलो, थैंक यू।